क्या मैं 1000 की ईयरबड्स में बढ़िया सी कॉलिंग कर सकता हूँ? हर एक TWS में म्यूजिक के साथ ही कॉलिंग तो बढ़िया होती होगी। ट्रेवल एंड वोकल्स तो क्या ही मैटर करते होंगे, वो तो बेसिक सी चीज है, अच्छे ही होंगे सब में। ये सब कुछ चलता अपने दिमाग के अंदर जब भी हम 1000 के अंदर TWS ईयरबड्स बाय कर रहे होते हैं। बट लेट मी टेल यू गाइस, हर एक TWS में आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलता। कोई कॉलिंग के लिए बेस्ट होता है तो कोई म्यूजिक एंड बेस के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अपना जो बजट है ना उसे बाय करने का वो बिल्कुल ही बेसिक है। 1000 की बात कर रहे हैं हम, और इनका जो बैटरी बैकअप है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। कहीं एक बार ईयरबड्स लेके सारा दिन उसे चार्ज ही ना करते रह जाएं। इन सभी कंफ्यूजंस का ना सिर्फ एक हल है कि वीडियो आपने पूरे ध्यान से लास्ट तक देखनी है, दैट्स इट। सब कुछ बताऊंगा कि कौन से TWS ईयरबड्स आपके किस पर्पस के लिए बेस्ट रहेंगे एंड किन्हें हमें बाय नहीं करना, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बोट एयरड्रॉप्स एटम 81, ये हाफ इन डिजाइन वाले TWS ईयरबड्स हैं। देखो, कई यूजर्स ऐसे होते हैं कि जिसे हाफ इन डिजाइन बढ़िया लगता है एंड कईयों को अच्छा नहीं भी लगता, ये टोटली आपके ऊपर है। बट इसका प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 800 रुपए के अंदर हमें मिल जाते हैं। हाफ इन डिजाइन का मतलब ये होता है कि इसके ना टिप के ऊपर आपको रबर टिप्स नहीं मिलते। 13 mm इसका ड्राइवर साइज दिया गया, दोनों ऑडियो कोडेक्स मिल जाते हैं, SPC एंड AAC, ENC के सपोर्ट के साथ, नंबर ऑफ माइक 2+2, टोटल 4। 50 ms तक की लेटेंसी है, गेमिंग इजीली हो जाएगी। 8 से 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया गया बड्स के अंदर, एंड इसका जो टोटल बैटरी बैकअप है एट 60% वॉल्यूम हमें 50 घंटे तक का इजीली मिल जाता है। टाइप सी चार्जिंग, 5 मिनट चार्ज करने पे 1 घंटे तक का प्ले टाइम दिया गया, 2 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाते हैं। ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन, टच कंट्रोल्स IPX5 रेटिंग के साथ ही, कॉम्पैक्ट सा केस है इसका, बेस इसकी नॉर्मल है बिकॉज ऑफ हाफ इन डिजाइन, वोकल्स एकदम ही क्लियर मिल जाते हैं, इसके जो ट्रेबल है वो भी बैलेंस ही है। इंस्टा वेक एंड पे टेक्नोलॉजी के साथ ही इसके अंदर हमें डेडिकेटेड बीस मोड दिया गया फॉर गेमिंग, वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग TWS ईयरबड्स है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। 27,000 से ज्यादा तो हमें इसके अमेज़न के ऊपर रेटिंग्स मिल जाती है, गो फॉर इट। अगले आगे बोल्ट ऑडियो Z60। अब आप में से जिसे भी बेस बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, आप बेस लवर हो, थम्पी बेस चाहिए आपको एंड उसी के साथ ही कॉलिंग बढ़िया होनी चाहिए, दीज आर दी TWS ईयरबड्स फॉर यू गाइस। देखो, 1000 से लेके 1300 तक के बीच में इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है। 13 mm इसका ड्राइवर साइज दिया गया, दोनों ऑडियो कोडेक्स प्रेजेंट है एंड ENC की सपोर्ट मिल जाती है, नंबर ऑफ माइक सेम है 2+2, 50 ms तक की लेटेंसी, 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजेज पे, 60 घंटे तक का मिल जाएगा प्ले टाइम दोनों को ऐड करने के बाद, बड्स एंड केस। 10 मिनट चार्ज करने पे 150 मिनट तक का प्ले टाइम दिया गया, टाइप सी चार्जिंग, ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन मिल जाएगा, IPX5 रेटिंग के साथ ही, टच कंट्रोल्स एंड इसके जो वोकल्स है ना वो हमें एकदम ही क्लियर मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज है, कॉल क्वालिटी भी इसकी काफी बढ़िया, गेमिंग के लिए भी सबसे बढ़िया रहेंगे, डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दे रखा है, कॉम्बैट मोड। अच्छे TWS ईयरबड्स हैं, लेकिन एक चक्कर वाली जो चीज है वो ये है कि 80% से ज्यादा वॉल्यूम पे अगर आप कंटिन्यूसली काफी देर तक ईयरबड्स को यूज कर रहे हो ना, फिर हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकती है। अगर आपके लिए ये चीज मैटर करती है ना कि मुझे बिल्कुल ही डिस्टॉर्शन चाहिए नहीं अपने TWS ईयरबड्स के अंदर, देन बोट एयरड्रॉप्स 91 ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। 900 रुपए से लेके 1200 तक के बीच में इसका प्राइस रहता है एंड इसके अंदर आपको बिल्कुल 0% डिस्टॉर्शन मिलती है इवन एट 100% वॉल्यूम, एंड ये गेमिंग के लिए भी काफी बढ़िया रहेंगे। बट कॉलिंग के लिए थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो माइक मिलते हैं ना वो 1+1 टोटल 2 है, बाकी सभी के अंदर हमें 2+2 टोटल 4 माइक मिलते हैं। बट ENC की सपोर्ट हमें दे रखी है एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन की, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर कॉलिंग को लेके। 50 ms तक की लेटेंसी, 10 mm इसका ड्राइवर साइज है, दोनों ऑडियो कोडेक्स मिल जाते हैं, 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा बड्स के अंदर एट 60-70% वॉल्यूम, एंड दोनों को ऐड करें ना, केस जो इसका 300 mAh का है एंड बड्स के अंदर हमें 35 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, उन दोनों को क्लब करने के बाद 45 hours का प्ले टाइम मिल जाएगा। टाइप सी चार्जिंग, 10 मिनट चार्ज करने पे 120 मिनट तक का प्ले टाइम दिया गया, ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन, IPX4 रेटिंग, कॉल क्वालिटी एवरेज, इसकी इंस्टा वेक एंड पे टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, डेडिकेटेड बीस मोड दिया गया गेमिंग के लिए, डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं फील होती, बढ़िया TWS ईयरबड्स है, हाईली रिकमेंडेड आपके लिए। अगले आगे ट्रू बड्स F1 अल्ट्रा, सिर्फ 900 रुपए इसका करंट प्राइस है एंड 13 mm का काफी बड़ा ड्राइवर साइज दिया गया हमें इसके अंदर, दोनों ऑडियो कोडेक्स भी प्रेजेंट है, ENC की सपोर्ट भी दे रखी है, नंबर ऑफ माइक भी सेम है 2+2, 40 ms तक की लेटेंसी, ये भी काफी बढ़िया चीज है, 8 से 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एंड इसका जो टोटल प्ले टाइम है ना वो हमें पूरे 30 घंटे तक का दिया गया, दैट इज टोटली इंप्रेसिव एट इट्स प्राइस पॉइंट। टाइप सी चार्जिंग, 10 मिनट चार्ज करने पे पूरे 10 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाएगा, ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन, IPX5 रेटिंग के साथ, टच कंट्रोल्स, इन ईयर सिक्योर फिट डिजाइन वाले TWS ईयरबड्स हैं। डिस्टॉर्शन हमें 80% वॉल्यूम तक तो बिल्कुल फील नहीं होती, वही सेम चीज है कि 80% से ज्यादा वॉल्यूम कंटिन्यूस यूजेज पे थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकती है। डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया गया, इंस्टेंट पेयरिंग को भी सपोर्ट करते हैं एंड कॉल क्वालिटी भी काफी एक्सीलेंट है इसकी, अच्छे TWS ईयरबड्स हैं। देखो, ईयरबड्स की बात चल रही है, नॉइस की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नॉइस बड्स N1 काफी अच्छे TWS ईयरबड्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, 1200 रुपए इसका करंट प्राइस है। SPC ओनली ऑडियो कोडेक्स मिल जाते हैं हमें इसके अंदर, AAC नहीं दिए गए। 11 mm इसका ड्राइवर साइज है, ENC की सपोर्ट के साथ, नंबर ऑफ माइक सेम है 2+2 एंड इसके अंदर हमें 40 ms तक की लेटेंसी दे रखी है। 6 से 7 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाएगा नॉर्मल यूजेज पे बड्स के अंदर एंड 40 घंटे तक का मिल जाएगा प्ले टाइम टोटल, बड्स एंड केस दोनों को ऐड करने के बाद, एंड 10 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का प्ले टाइम है थ्रू फास्ट चार्जिंग। ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन दिया गया, IPX5 रेटिंग एंड इसके अंदर हमें बाकी सब कुछ एकदम बढ़िया मिल जाता है। गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है, कॉलिंग के लिए काफी बढ़िया है, HyperSync टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मिल जाती है, बेस के लिए भी काफी बढ़िया है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। ओवरऑल TWS ईयरबड्स में से
कह सकता हूँ दी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है हर एक सिनेरियो के अंदर। इसी का एक अल्टरनेट ऑप्शन आपको बताता हूँ, नॉइस बर्ड्स VS 104, ये भी काफी बड़ी ऑप्शन है। दोनों के अंदर प्राइस का डिफरेंस है 1000 rupees, VS 104 का प्राइस है। ये भी TWS ये बर्ड्स टोटली ऑलराउंडर है, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट ऑप्शन है, बस N1 वाला अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो नया है। एंड जो मेरे अकॉर्डिंग इस बर्ड के सबसे बेहतरीन TWS ये बर्ड्स रहेंगे आपके लिए वो है बोट एयर ऑफ 121 Pro। ये इस बजट के अंदर सबसे ज्यादा सेल होते हैं TWS ईयरबड्स, एंड इसकी रेटिंग्स को चेक करें ना तो 2 लाख से भी ज्यादा रेटिंग्स मिल जाती है Amazon के ऊपर, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। 10mm इसका डाइवर्स साइज है, डबल एसी एंड एसपीसी दोनों ऑडियो कोडेक्स, नंबर ऑफ माइक भी सेम है, ENC की सपोर्ट भी दे रखी है, 65 मिलीसेकंड तक की लेटेंसी, 400mAh बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। केस की बड्स के अंदर हमें 40mAh की बैटरी कैपेसिटी है। एंड देखो इसका जो टोटल प्ले टाइम है ना वो हमें मिल जाता है 40 घंटे तक का। अगर इसे डिवाइड करके चेक करें फिर केस 32 घंटे तक का बैटरी बैकअप देता है एंड बड्स 8 आवर्स का। टाइप सी चार्जिंग 5 मिनट चार्ज करने पे 60 मिनट तक का प्ले टाइम दिया गया, ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन दिया गया, प्लस EDR की सपोर्ट के साथ IPX4 रेटिंग, टच कंट्रोल्स, कॉम्पैक्ट सा केस है, बैटरी इंडिकेटर हमें केस के ऊपर ही मिल जाएगा। अब चाहे फिर इसकी वोकल्स की बात करें, वॉइस कॉल्स की बात करें, गेमिंग की बात करें, बेस की बात करें, सब कुछ आपको अप टू द मार्क मिल जाएगा, इतने बढ़िया TWS ईयरबड्स हैं। ये तो आपके लिए ऐसा ऑप्शन है कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके इसे बाय कर सकते हो। देखो सभी के बेस्ट फाइलिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको इनमें से जो भी TWS ईयरबड्स बढ़िया लगेगा ना आप उसे बाय कर लो। सभी दी बेस्ट ईयरबड्स हैं, सभी के अंदर आपको बेस्ट बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है एंड इनके साथ आपको जो म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी सबसे बढ़िया मिलेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, पीस आउट। और हाँ, अगर आपने किसी और बजट के अंदर TWS ईयरबड्स को बाय करना है वो सारी वीडियोस भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी।